अलैकुम, मैं नाहिदा तबस्सुम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। मैं इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हूँ। मेरा मतलब सब मतलब आज का टॉपिक जो मेरा है ये थर्ड सेम वालों के लिए है। थर्ड सेम वालों के लिए क्या है, मरकज़ी मेलान और मुंतशरी की पैमाइश, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिप्रेशन। ये शुमारियात में एक मतलब शुमारियात का सेकंड मॉड्यूल का टॉपिक है। मतलब मरकज़ी मेलान यानी शुमारियाती आदाद व शुमार में आदाद व शुमार को इकट्ठा करना, मतलब शुमारियाती आदाद व शुमार में आदाद व शुमार को इकट्ठा करने, इसका तजिया करने और तजिए के दौरान हायल रुकावटों को कम करने और आदाद व शुमार का तखाबुल करने में आसानी पैदा करने के लिए औसत या आदाद व शुमार की मरकज़ी मेलान सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाया जाता है। मतलब इसमें है ना, शुमारियाती आदाद व शुमार में आदाद व शुमार को पहले इकट्ठा कर लेना, जो आदाद व शुमार है आपके, उसके बाद है ना फिर उसका तजिया करने और तजिए के दौरान जो रुकावटें जो आती हैं तजिए के दौरान कम करने और मतलब कम करके रुकावटों को कम करके आदाद व शुमार का तखाबुल करने में आसानी पैदा करता है। इसको आसानी पैदा करने के लिए मतलब आदाद व शुमार को मरकज़ी मेलान यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाया जाता है। इस तरीक़े में बड़े बड़े आदाद व शुमार को कम करके एक शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। मतलब बड़े बड़े जो आदाद रहते हैं ना उसको कम करके एक शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह से इनके दौरान तखाबुल आसान और काबिल फहम हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी दो कॉलेजेस के तलबा हर एक कॉलेज से, मतलब ये मिसाल दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर दो कॉलेज के तलबा हर एक कॉलेज से 200 यानी दो कॉलेजों को मिलाकर 400 तलबा का नतीजा देखना, मतलब दो कॉलेजों को एक जगह मिला के उन लोगों का नतीजा देखना और कोई नतीजा अक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन तमाम तलबा के बजाय इनका औसत लिया जाए और इनके नतायज का तखाबुल किया जाए तो आसानी के साथ कर सकते हैं। ऐसे तलबा जिनके बहुत ज़्यादा निशानात आए हैं और ऐसे तलबा जिनको बहुत कम निशानात आए हैं, इसको लेने के बजाय औसत नतीजा आने वाले बच्चों को लिया जाता है। इसकी कदर मरकज़ी मेलान को ज़ाहिर करता है या औसत को बतलाता है। इसकी कदर बहुत ज़्यादा और बहुत कम के दौरान होती है। मरकज़ी मेलान की तारीफ, अब इसकी तारीफ देखिए, मतलब क्या करते हैं मालूम इसमें। फर्स्ट, अगर से आप एक कॉलेज के 200 बच्चों को ले लिया और दूसरे कॉलेज के 200 को लेके चारों का नतीजा एक साथ अक्स करना मुश्किल हो जाता, इसलिए क्या करते हैं औसत, मतलब यानी कि कम निशानात वाले बच्चे और ज़्यादा निशानात वाले बच्चों को लेकर उसका नतीजा अक्स कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मरकज़ी मेलान को ज़ाहिर करता है, ये मरकज़ी मेलान को ज़ाहिर करता है। ऐसा फिर मरकज़ी मेलान की तारीफ देखेंगे। मरकज़ी मेलान या औसत हकायक जो कि बड़े पैमाइश पर होते हैं, इनकी आदाद व शुमार को एक शक्ल दी जाती है। GP वाटकिंस के मुताबिक औसत एक नुमाइंदगी की शक्ल है जो एक खुलासा या निचोड़ कहलाता है। क्रॉकटन के मुताबिक औसत खदर तनहा खदर होती है, औसत खदर एक तनहा खदर होती है, इसके आदाद व शुमार के सिलसिले से लिया जाता है जो तमाम आदाद व शुमार की खदर की रहनुमाई करता है। जैसा कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, देखो औसत एवरेज रियासती औसत, फिर तिजारती औसत है, यहाँ क्या है पोजिशनल एवरेज, मतलब जो पोजीशन लेते हैं ये
तिजारती यानी कमर्शियल एवरेज, फिर मैथमेटिकल एवरेज, उसको लेने से मतलब तिजारती औसत में है ना, मखलूत औसत है और मुतज़ायद औसत है, मुतहरिक औसत है। फिर रियाजती औसत में मुरबी मेला मैन मुरबी मीन है और मवाफिक मीन है। फिर ज्योमेट्रिक मीन है, हिसाबी मीन है, ठीक है, ये देख रहे ना आप लोग। फिर इसमें पोजिशनल एवरेज में क्या है, मोड है, मीडियम है। अभी इसके बारे में हम लोग को मोड, मीडियम और ये क्या बोलते हिसाबी मीन, मीन ये पूरे चीज़ों को जानना है, ठीक है। तो ये मरकज़ी मिलान को किस तरह बतलाता है वो बताए। फिर रियाजती, फिर क्या है रियाजियाती औसत मीन, यानी कि अर्थमेटिक एवरेज और मीन, औसत को मालूम करने के आम और आसान तरीके रियाजती औसत या रियाजती मीन होता है। इसको हासिल करने के लिए तमाम मुतगयरों को कुल नंबर से तकसीम करके हासिल किया जाता है, जैसा कि एक्स वन प्लस यहाँ पर दिया है, देखो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, उसके बाद एक्स एन बटे एक्स एन, जहाँ रियाजती एक्स मुतगयर क़दर का मजमुआ है, मुतगयर क़दर का मजमुआ। तो ये क्या है मालूम, ऊपर जो दिए ना एक्स वन एक्स टू एक्स, उसका नीचे फार्मूले के तहत लिखा गया। मुशाहदा आदत एन है यहाँ पर। रियाजती औसत के फवायद या खूबियाँ, आसान और कबल फहम, काबिल कबल। थर्ड जो है रियाजती में रियाजियात में इस्तेमाल करने के खबाल, तसल्सुल या सीरीज के तमाम अंसर का तजिया करता है। रियाजती औसत दो तरफा तवाजुन को ज़ाहिर करता है। तसल्सुल में चंद तार ना होने पर भी तजिया मुमकिन होता है। नमूना के उतार चढ़ाव से बहुत ही कम मुतासिर होता है। रियाजती औसत यानी कि मीन के नुकसान या खामियां, बाज़ औक़ात इसमें गैर तनासुबी असर पाया जाता है, गैर तनासुबी असर भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। जब आदाद व शुमार वसी होते हैं तो इसका तजिया मुश्किल हो जाता है। एक तसल्सुल गैर मुतनासिब हो तो नुमाइंदगी मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पे मंदरजे आदाद व शुमार की मदद से रियाजती मीन मालूम करें। 200 शागिर्दों में से कोई 20 शागिर्दों के हासिल शुदा नशाना, 200 में से 20, 100 तमाम मुतगयरों का खुलासा, लिस्ट में दिए गए अंसर की तदाद, उसके बाद 2202, इसके तहत ये डाल लो। उसके बाद है ना रियाजती मीन एक्स, फर्जी मीन ए, सम ऑफ दी डिवीजन फॉर अजम्पशन मीन। उसके बाद है ना मिसाल के तौर पर मसलन मख्तसर तरीक़े का इस्तेमाल करते हुए दिए गए आदाद व शुमार का रियाजती मीन मालूम करें। यहाँ पर फर्जी मीन है, जैसा कि अब यहाँ है 40 माइनस 10 60, माइनस 60, फिर 56 माइनस 100 44, मतलब इसको माइनस करना और यहाँ पर ये 40 जो है उससे डालते जाना 56। ये एक्स है, एक्स माइनस ए ये है, ठीक है। रियाजती मीन का मुख्तसर तरीक़ा, ये हो गया रियाजती मीन का मुख्तसर तरीक़ा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मंदरजा ज़ेल आदाद व शुमार की मदद से रियाजती मीन मालूम करें। ये निशाना, शागिर्द की तदाद,
निशानात मतलब 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, ऐसा उसके बाद है ना, ये मीनिंग हम आहंगी मीन या हारमोनी मीन, हारमोनिक मीन, ऐसा औसत जिसकी शराब पाई जाती है, जैसे कि किलोमीटर फी घंटा की, फी दिन, अशिया की पैदावार वगैरह को मालूम करने की ज़रूरत जब पेश आती है तो हम आहंग हार्मोनिक मीन के ज़रिए मालूम किया जाता है। हम आहंगी मीन एक ऐसा औसत होता है जिसको महदूद तौर पर पाबंदी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तसल्सुल की इख्तदार का हम आहंग मीन या हार्मोनिक मीन में रियाजती मीन का मुतवाजी होता है, जो कि एक इनफरादी क़दर का मुतवाजी होता है। अगर मुशाहिदा किया जाए तो एक हार्मोनिक मीन में ज्योमेट्रिक मीन से कम होता है। हार्मोनिक मीन में मीन मालूम करने के मसावत हज़्ब ज़ेल है। यह हार्मोनिक मीन मालूम करने का है, एन बटे 1/x1 प्लस x2 x3 xn, या इसका मुतवाजी ऐसा भी लिख सकते हैं, जहाँ पर x1 x2 x3 n xn तसल्सुल की क़दर हैं। तो हार्मोनिक मीन के फ़ायदे, हार्मोनिक में तसल्सुल पाए जाते हैं, पाए जाने वाले तमाम अनासिर को लिया जाता है। अगर तसल्सुल में मौजूदा अदाद व शुमार वसी इंतशार पाया जाता है तो ये तरीक़ा भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस तरीक़े में मुतवाजी तरीक़े इख्तियार किया जाता है। इसलिए इसमें बड़े अंसर को कम वज़न पर कम वज़न छोड़ने अंसर को ज़्यादा वज़न या दिया जाता है। इस तरीक़े में शराह को मालूम किया जाता है। हार्मोनिक मीन के नुकसान, हार्मोनिक मीन को मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। एक आम आदमी इसको समझने में दुश्वारी होती है। अगर तसल्सुल में से एक भी अंसर मौजूद हो तो हार्मोनिक मीन में मालूम करना मुश्किल होता है। हार्मोनिक मीन में एक ऐसी क़दर होती है जो तसल्सुल में मौजूद अंसर भी नहीं पाई जाती, ज्योमेट्रिक मीन। एन तदाद का ज्योमेट्रिक मीन से मुराद एन के इख्तदार का रुकावट होता है। मतलब ये हम लोग को क्या था, मरकज़ी मेलान का रुझान, इंतशार का मेलान का रुझान, फिर इसमें हार्मोनिक मीन और रियाजती मीन, ये पूरे आप लोग को बतला दिया गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।